हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर नंबर 7 बुक एक्टिविटी। चैप्टर का नेम है वेस्ट इंडिया मुंबई। फर्स्ट है अपना ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। सबसे पहले अपनों को इस फोटो को देखना है, इस इमेज को देखना है, कौन सी स्टेट ये शो कर रहा है। महाराष्ट्र। कौन सा स्टेट शो कर रहा है ये? महाराष्ट्र। सो इसके अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना। फर्स्ट, वॉट इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट? ये जो स्टेट है इसकी कैपिटल क्या है? आंसर है मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। सेकेंड, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज दिस लोकेटेड? इज दिस स्टेट लोकेटेड? कौन से पार्ट में, इंडिया के कौन से पार्ट में ये स्टेट लोकेटेड है? आंसर है वेस्टर्न। आंसर क्या है? वेस्टर्न। थर्ड, वॉट इज इट फेमस फॉर? ये जो स्टेट है ये काय के लिए फेमस है? आंसर, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। जितनी भी जो बॉलीवुड की जो फिल्म बनती है अपने इंडिया में, जो फिल्म्स बनती है वहाँ के लिए फेमस है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वहाँ पर सबसे बड़ा मार्केट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड, रिव्यू जोन, इसमें आता है सबसे पहले ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आंसर। ऑप्शन में से अपनों को सबसे आंसर, करेक्ट आंसर सर्च करके लिखना है। फर्स्ट, महाराष्ट्र इज लोकेटेड इन डैश इंडिया। महाराष्ट्र कौन से डायरेक्शन में लोकेटेड है? ए वेस्टर्न इंडिया, बी ईस्टर्न इंडिया, सी सदर्न इंडिया। सो आंसर इज वेस्टर्न इंडिया। सेकेंड, मुंबई इज मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ डैश आइलैंड। मुंबई कैसे बना हुआ है, कितने आइलैंड के ग्रुप से बना हुआ है? ए 9, बी 8, सी 7। ए 9, बी 8, सी 7। सो आंसर है 7 आइलैंड्स। थर्ड, द डैश केव्स आर लोकेटेड इन मुंबई। कितनी कौन सी केव्स मुंबई में लोकेटेड है? ए एलिफेंट, बी एलिफेंट्स, सी एलिफेंटा। सो आंसर है एलिफेंटा। फोर्थ, द अदर नेम ऑफ सी लिंक इज डैश सी लिंक। जो सी लिंक है मुंबई में उसका दूसरा नेम क्या है? ए बांद्रा वॉर्ली सी लिंक, बी वॉर्ली अंधेरी सी लिंक, सी बांद्रा थाने सी लिंक। सो आंसर है बांद्रा वॉर्ली सी लिंक। टू फॉल्स, ट्रेन्स आर नॉट अवेलेबल इन मुंबई। मुंबई में ट्रेन्स अवेलेबल नहीं होती है। सो आंसर है फॉल्स। होती है, मेट्रोज जो होती है वो अवेलेबल होती है मुंबई में। सेकेंड, गणेश चतुर्थी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन मुंबई। मुंबई में गणेश चतुर्थी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। सो आंसर है ट्रू। थर्ड, मुंबई हैज़ अ ड्राई क्लाइमेट। मुंबई का जो क्लाइमेट है वो क्या है? ड्राई क्लाइमेट है। सो आंसर है फॉल्स। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? वेट और ह्यूमिड। फोर्थ, मुंबई इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट। मुंबई एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है। सो आंसर इज ट्रू। फिफ्थ, द सीलिंग इज ऑल्सो नोन एज द क्वींस नेकलेस। द सीलिंग इज ऑल्सो नोन एज क्वींस नेकलेस। जो सीलिंग है उसे क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है। सो आंसर है फॉल्स। सीलिंग को क्या कहा जाता है? बांद्रा वॉर्ली सीलिंग। लास्ट है मेज द कॉलम। फर्स्ट अपन क्या लिखेंगे? नंबर लिखेंगे पीछे। फर्स्ट, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का आंसर क्या है? डी एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। गणेश चतुर्थी क्या है? एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। सेकेंड, ऑयल। ऑयल का आंसर क्या है? बॉम्बे हाई। मतलब ऑयल कहाँ पर रिफाइन होता है? बॉम्बे हाई एक प्लेस है। सो आंसर इज सी, बॉम्बे हाई। थर्ड, मरीन ड्राइव। थर्ड क्या है? मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव क्या है? मरीन ड्राइव को क्या कहा जाता है? और क्वींस नेकलेस। सो आंसर इज ई। फोर्थ, पाव भाजी। पाव भाजी क्या है? एक स्ट्रीट फूड है मुंबई का फेमस। सो बी आंसर इज स्ट्रीट फूड बी। फिफ्थ, एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स क्या है? मतलब किसके मेमोरी में है ये? ए लॉर्ड शिवा, जो शिव गॉड है
उनकी मेमोरी में एलिफेंटा केव्स बनाए गए थे। सो हियर आवर बुक एक्टिविटी इज़ कम्प्लीटेड। आपको इस वीडियो को देखकर बुक एक्टिविटी फिल करनी है।